खबर के साथ ये बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से। धनबाद में बुधवार सुबह एक ऑटो ने धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बुरी तरह जख्मी जज उत्तम आनंद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये महज हादसा था या फिर ऑटो ड्राइवर ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को टक्कर मार दी और फिर फरार हो गया। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सड़क किनारे जा रहे उत्तम आनंद के पास पहुंचते ही ऑटो तेजी से उनकी ओर मुड़ा और टक्कर मारने के बाद फिर सीधा वहां से आगे बढ़ गया। घटना के बाद पुलिस की टीम भी वहां पहुंची और छानबीन की। अभी तक जज को टक्कर मारने वाले ऑटो का कोई सुराग नहीं मिल सका है और पुलिस उसकी तलाश में आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। और इस बीच जानकारी यह भी मिल रही है कि पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि उत्तम आनंद कई बड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे, जिनमें वहां के कई गैंगस्टर्स और आपराधिक छवि वाले लोगों के मामले भी शामिल बताए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कई घंटे बीत चुके हैं, अभी तक जांच में कुछ हाथ नहीं लगा है, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। और उसको लेकर बीजेपी यह भी कह रही है कि वो जरूरी होगा तो पत्र लिखेगी, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होगी। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, दो लोग हिरासत में लिए गए हैं और जिनसे पूछताछ हो रही है। धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने भी सड़क हादसे में जज उत्तम आनंद की मौत पर उठाए सवाल और जांच की मांग की। सुनिए क्या कहा। ऐसा लगता है कि यह एक साधारण एक्सीडेंट का मामला नहीं है। जो इस प्रकार से ऑटो आया और ऐसा लगता है देखने से कि जानबूझकर के उसने धक्का मारा, तो हम तो इसकी मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए। तो सीबीआई जांच की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि यह हादसा नहीं है, इस घटना की जांच होनी चाहिए, बेहद गंभीर मामला। और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखकर तो साफ तौर पर लग रहा है, हालांकि पूरा मामला जांच का है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि कैसे एक ऑटो जो कि किनारे पर उत्तम आनंद चल रहे थे उनकी तरफ मुड़ता है, टक्कर मारता है, रुकता भी नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ जाता है। अब ये ऑटो और ऑटो ड्राइवर का कोई सुराग अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। कई घंटे बीत चुके हैं और इस सब के बीच दो लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन ये तस्वीरें जरूर सवाल खड़े करती हैं। सवाल इसलिए भी खड़े करती हैं क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण मामले थे, कई ऐसे मामले थे जो कि गैंगस्टर्स के खिलाफ थे, जो कि आपराधिक छवि वाले लोगों के खिलाफ थे, और उन्हीं सभी मामलों की सुनवाई उत्तम आनंद कर रहे थे। तो इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या यह महज हादसा था। तस्वीरों को देखकर जो कतई नहीं लग रहा कि यह महज हादसा था, क्योंकि एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप गौर से देखिएगा। जज उत्तम आनंद सड़क किनारे चल रहे थे, ये देखिए सड़क किनारे चल रहे थे, एक ऑटो तेजी के साथ मुड़ता है, टक्कर मारता है और फिर देखिए एंगल चेंज कर यहां से आगे बढ़ जाता है। कहां गया ये ऑटो अभी तक सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है और ना ही ड्राइवर का कोई अता पता। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये दो लोग हिरासत में लिए गए हैं, कौन ये दो लोग हैं, इनसे क्या कुछ पूछताछ हुई अभी तक? बिल्कुल, देखिए पुलिस जांच के दौरान इन दो लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। और माना जा रहा है कि ये इन्हीं लोगों के मिलीभगत से वो ऑटो ड्राइवर यहाँ पहुँचा था और उसके बाद इस तरह के वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये अभी जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑटो ड्राइवर जो है वो इनको धक्का मारने के बाद गिरिडीह की ओर भाग कर निकला है। तो पुलिस को अलर्ट किया गया है और साथ ही एक टीम गिरिडीह भी पहुंची हुई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो ऑटो ड्राइवर है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे राज हैं जो खुल सकते हैं। पुलिस साफ तौर पर यह मान रही है, शुरू दौर में यह माना जा रहा था कि हो सकता है कि यह हादसा हो, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पीछे से जो ऑटो आ रहा है वो जोरदार उनको धक्का मारता है और जज उत्तम आनंद जब गिर जाते हैं उसके बाद फिर वहां से ऑटो फरार हो जाता जी, है। तब चंद्रमोहन, चंद्रमोहन आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ मथुरा प्रसाद महतो जो कि जेएमएम के नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा प्रसाद महतो जी, आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं? जज उत्तम आनंद, एक सीसीटीवी फुटेज भी अब तो सामने आ चुका है, एक ऑटो उनकी तरफ मुड़ता है, टक्कर मारता है, फरार हो जाता है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए इस मामले में तो जांच का विषय है और फुटेज के मार्फत से पुलिस आगे भी कार्रवाई कर रही है। हमें उम्मीद है कि इस तरह तक पुलिस जाएगी और सरकार इसमें जो भी लोग होंगे उसे बख्शे नहीं जाएंगे। सर कितने घंटे हो गए इस घटना को?
ये तो आप भी जानते हैं कितने घंटा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अभी जांच के नाम पर सिर्फ दो लोग हिरासत में, हम भी बता रहे हैं घंटा क्यों पूछ रहा। जांच के नाम पर सिर्फ दो लोग अभी हिरासत में, अरे जांच हुआ उसमें तो जांच चली रहा है और उसमें तो कई लोगों को संदेह में अभी गिरफ्तार भी किया है, तो अंदाजे नहीं ना हो तो लगा हुआ है लोग और पर इसका निष्कर्ष जांच। सर आपने आपने सीसीटीवी फुटेज देखा क्या? आप देखें आपके माध्यम से, उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? शुरुआती लग रहा है कि एक्सीडेंट से गिरा और डेथ कर गया, मतलब ये एक्सीडेंट मान रहे हैं आप? आप आपने देखा एक ऑटो तेजी के साथ आया किनारे पर, जज उत्तम आनंद चल रहे थे उनकी तरफ मुड़ा, धक्का मारा जान के मारा या कैसे धक्का मारा गिरा और ये फुटेज में आया, सरकार इसमें जांच कर रही है, निश्चित रूप से दोषी होंगे तो उसको उस पर कार्रवाई होगी। बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। क्या हम थोड़ी जांच के विरोधी हैं, हम निश्चित रूप से होना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, निश्चित होगा हम ही। आपको लग रहा है सीबीआई जांच होगी? अब जैसे आप ऐसे पूछ रहे हैं कि मैंने हम ही ऑर्डर देने वाले हैं, हम बोल रहे हैं कि जांच होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, सीबीआई से हो सीआईडी से हो जो भी सरकार का ही निश्चित रूप से जांच होना चाहिए और सही तथ्य तक पहुंचना चाहिए, सरकार पहुंच रही करेगी। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये जो जिस इलाके में ये पूरी घटना घटी है वहां पर इस तरह की घटना इसलिए सवाल खड़े करती है क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी भी रहती है और ऐसे में इस तरह की घटना हो जाना, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा आप पूछ रहे हैं ना कि आप वहाँ कौन सिक्योरिटी रहती है, वहाँ पर कौन सिक्योरिटी वहाँ पर रहती है जरा बताइए तो, आप जानते हैं? ऐसा बोले ठीक है, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी रहती मतलब नहीं है। जी आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त बीजेपी के सांसद पीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, बीजेपी कैसे देख रही है? बीजेपी कैसे देख रही है इस पूरे हादसे को, घटना को, माफ कीजिए हादसा है कि जानबूझकर घटना को अंजाम दिया गया, जांच का विषय है। जज साहब वाला पीएनजी आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, आप तो धनबाद से सांसद भी हैं, मेरी आवाज मिल रही है आपको पीएन सिंह? नहीं ठीक से नहीं आ रही है। मैं ये पूछ रही हूँ सर, अगर अब आपको आवाज मिल रही है, ये जो घटना घटी है जज उत्तम आनंद के साथ जो घटना घटी उसको बीजेपी कैसे देख रही है, आप कैसे देख रहे हैं आपके इलाके का ये मामला? देखिए यह धनबाद तो आप जानती हैं कि हमेशा क्राइम वहां पर चरम सीमा पर है और क्राइम कंट्रोल करने की जिम्मेवारी प्रशासन को है। तो यह सुबह 5 बजे जज साहब जा रहे हैं हम। हेलो जी जी सर बोलिए, आप सुनाई दे रहे सर? हाँ सुनाई दे रहा है सर, बोलिए। नहीं सुनाई ठीक से नहीं दे रहा है, सवाल आपका नहीं ठीक। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो पूरा मामला हुआ, आपको लग रहा है ये हादसा है या फिर इसके पीछे कुछ और? हेलो क्योंकि सर आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कि आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ मथुरा प्रसाद लगातार बने हुए हैं। मथुरा प्रसाद जी, इस पूरे मामले को लेकर अब जेएमएम का क्या कदम होगा? जेएमएम भी चूंकि सरकार में है, फिर भी हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विधायक होने के नाते मामला पर जांच के लिए हम मांग करेंगे, कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग करेंगे, निश्चित सीबीआई जांच, मतलब जो भी उच्च स्तरीय जांच हो, चाहे कोर्ट का ही, मतलब जो है उच्च स्तरीय का जांच हो, मांग कर रहे हैं। जज की इस तरीके से मौत, उसके बाद सवाल, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और मथुरा प्रसाद